जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्रा त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड पिछले वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ओवरव्यू मैंने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। आज से हम लोग, अभी पिछला वीडियो भी मैंने आपको दिया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराते हुए, जिसमें मैंने बताया था कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आज हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन जो मैं आज करने वाला हूं आपके बोर्ड पर है, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। साथ ही साथ यदि आपको हमारा विषय वस्तु अच्छा लगता है और पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी साझा। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐसी है, निम्न सूचनाओं के आधार पर मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। फेयर रेंट है 72,000 रुपये, 72,000। मकान किराए पर दिया गया है, मतलब एक्चुअल रेंट है 7,000 पर मंथ। स्टैंडर्ड रेंट है रुपीज 60,000, 60,000। नगर पालिका कर का भुगतान किया है, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स इसने पे किया हुआ है, जो कि म्यूनिसिपल वैल्यू का 20% है। इसने 2 वर्षों का पेमेंट किया है, 19-20 का और 20-21 का, 10,000 रुपए करके इसने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है। इसकी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ रूलिंग के वीडियो नंबर 2 में। उसके बाद चलें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियस ईयर में हाउस जो है वो 2 महीने वैकेंट रहा है, मतलब खाली पड़ा रहा है। और दूसरी कंडीशन है कि कर निर्धारण वर्ष 19-20 में जो उसका न वसूल हुआ किराया था उसकी कटौती दी गई थी, परंतु गत वर्ष में वो 20-21 में 20,000 रुपये प्राप्त हुआ है। उसने अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन दिया हुआ था 20,000 रुपये का पिछले प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, लेकिन प्रीवियस ईयर में वो मिल गया है। तो ये एक नई बात आई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन रहा है, यूनिवर्सिटी में एक बार पूछा जा चुका है। फिर क्या कहा है आगे कि ना वसूल हुई किराए को वसूल करने में 5,000 रुपये खर्च हुए, अमाउंट एक्सपेंड हुआ है, जो अनरियलाइज रेंट था उसको रियलाइज करने में 5,000, आपको पता है इसका डिडक्शन नहीं दिया जाता है। जो गत वर्ष में बकाया किराया प्राप्त हुआ 12,000 रुपये, प्रीवियस ईयर में अनरियलाइज रेंट पिछले कभी किसी वर्ष का पड़ा हुआ था वो भी प्राप्त हो गया 12,000 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। अब देखिए मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ समझाता हूँ, वैसे क्वेश्चन तो ये इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहली बात लिखी हुई है, पहला पॉइंट, हाउस वैकेंट फॉर 2 मंथ्स इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग नहीं भाई, इन प्रीवियस ईयर, हाउस वैकेंट इन प्रीवियस ईयर फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए मकान खाली पड़ा रहा, मकान खाली पड़ा रहा, ये वैकेंट हाउस होता है। और वैकेंट हाउस में हमको और कुछ नहीं चाहिए होता है, एक्चुअल रेंटल वैल्यू ही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनती है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है, तो मैं वो बताते हुए चलूंगा। हाँ, इस क्वेश्चन में उनकी जरूरत हमको नहीं है। क्या है, जैसे उसने कहा है कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है एमटी जो है वो 10,000 है और ये म्यूनिसिपल वैल्यू की 20% है, ये म्यूनिसिपल वैल्यू की 20% है, तो इसको 20 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई दे करके 20×5=100, मतलब 50,000 रुपए एमवी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर फेयर रेंट भी दिया हुआ है, एफआर दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 72,000 रुपए, तो दोनों में कौन ज्यादा है, 72,000 ज्यादा है, इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट ईआर ये बनेगा 72,000। क्वेश्चन के अंदर एसआर भी दिया हुआ है कितना, 60,000 रुपए, तो एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो नहीं सकता है, इसलिए ईआर क्या हो जाएगा, 60,000 रुपए हो जाएगा। बात क्लियर? तो अगर ये लेट आउट हाउस होता, एक्चुअल लेट आउट हाउस होता, तो हम लोग इस टाइप से कैलकुलेशन करते चलते, लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये वैकेंट हाउस है। हाँ, आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है। बात क्लियर है? फिर हम लोग अगर ऐसा होता, लेट आउट हाउस होता, तो फिर देखते एआर क्या है, और 7,000 रुपए महीने का किराया था तो एआर हमारा 84,000 बनता, और इस कंडीशन में मेरा जीएवी जो है वो 84,000 बनता, और उसके बाद में हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है नहीं, क्वेश्चन है वैकेंट हाउस, और वैकेंट हाउस में इस तरीके का कुछ भी नहीं किया जाता है। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है जो अगर खरीद रखा है आपने, तो उसमें देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए अब ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है उस तरीके से चलते हैं।
अगर लेट आउट होता तो ऐसे सॉल्व करते, लेकिन ये लेट आउट नहीं है, ये वैकेंट हाउस है। वैकेंट हाउस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, और साथ ही साथ ये भी बताता हूं कि अगर अनरियलाइज रेंट रिसीव हो जाए या एरियर ऑफ रेंट रिसीव हो जाए तो उसकी कैलकुलेशन कैसे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट कंप्यूटेशन ही करते हैं, तो हम लोग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। पर्टिकुलर्स नहीं लिखा जाता है, अमाउंट का कॉलम रहता है। यहां पर हेडिंग डाल देंगे वैकेंट हाउस, ये हाउस जो है वो वैकेंट पड़ा रहा है, इसलिए इसका कंडीशन कुछ अलग तरीके से होगा। कैसे होगा? वैकेंट हाउस में जो जीएवी होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो क्या होती है? एक्चुअल रेंटल वैल्यू ही जीएवी होती है। पिछले वीडियो में बता चुका हूं, एक्चुअल रेंटल वैल्यू। एक्चुअल रेंटल वैल्यू क्या है? तो क्वेश्चन के अंदर देखो, 7,000 रुपए मासिक किराया है, ओके, और वैकेंट कितने दिन रहा? 2 महीने वैकेंट रहा है हाउस। तो भैया 12 महीने में 2 महीना वैकेंट रहा, तो किराए पर कितने दिन रहा? 10 महीने किराए पर रहा है। तो इसका मतलब है 7,000 × 10 कितना आएगा? 70,000 रुपया ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, ओके। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं हम लोग, क्या लेस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स। इसने प्रीवियस ईयर के साथ में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का भी 10,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स चुकाया है। अरे यार, आप प्रीवियस ईयर में कितना भी म्युनिसिपल टैक्स पे कर दो, पिछले कितने ही वर्षों का म्युनिसिपल टैक्स क्यों ना पे कर दो, आपको सबकी डिडक्शन मिल जाती, भले ही आप माइनस में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना म्युनिसिपल टैक्स पे करते हो उतनी सबकी छूट मिल जाती है। बस ध्यान रखिएगा कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर होना चाहिए, फिर डिडक्शन मिल जाएगी कितना भी पेमेंट किया हो। 20,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर दिया है, 70 में से 20 हटाओ कितना बचा? 50,000 रुपया बचा। ये क्या हो गया? ये एनुअल वैल्यू हो गई, इसको कहते हैं एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां जो अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हुआ है और जो एरियर ऑफ रेंट रिसीव हुआ है उसको आप इसके साथ जोड़ सकते हो, ठीक, या तो अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो 19-20 का जो असेसमेंट ईयर था वहां से पहले इसका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग था, लेकिन असेसमेंट ईयर 19-20 से अब कहा गया कि अनरियलाइज्ड रेंट अगर रिसीव हो रहा है या फिर एरियर ऑफ रेंट रिसीव हो रहा है तो हम कुछ नहीं देखेंगे। जितना पैसा आपको प्रीवियस ईयर में रेंट के नाम पर मिलेगा, हम टोटल में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ करते हैं, चाहे पहले अलाउ किया गया हो या ना अलाउ किया गया हो। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो चुका है, इसके साथ हम उसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लेंगे। यहां पर एड कर देंगे एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, कितना? 12,000 रुपया इसका मिल गया, और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड हुआ है, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड हुआ है ये कितना? 20,000 रुपया। बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, चाहे हमने इस पर कुछ भी कहे कि इस पर कभी अलाउ हुआ था डिडक्शन, नहीं अलाउ हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रीवियस ईयर में मिल रहा है तो सो मिल रहा है। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो 50 × 1 = 60 और 2 = 80, ये कितना हो गया? 82,000 रुपये हो गई मेरी एनुअल वैल्यू। अब मेरी नेट एनुअल वैल्यू क्या बनेगी? नेट एनुअल वैल्यू क्या बनेगी? 82,000 रुपये बनेगी। हाँ, ध्यान रहे, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर ही आप स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिए और इन दोनों को जोड़कर इनका स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग दे दीजिए, बाद में उनको जोड़ दीजिए, तो दो बार स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अब हम एक साथ जोड़ करके, एक साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ऐसा क्वेश्चन गलत हो भी नहीं सकता है। चलिए, तो मेरा 82,000 रुपये हो गया नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें से डिडक्शन देंगे, डिडक्शन कौन सी देंगे? तो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन किस सेक्शन में है? अंडर सेक्शन 24A, कितना? एट द रेट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जितनी भी एनुअल वैल्यू है उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, बस एनुअल वैल्यू
प्लस में होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, फेवरेबल वैल्यू होनी चाहिए। तो भैया 82,000 रुपए का 30% निकाल दो, कितना आएगा? एक जीरो ये, एक जीरो वो हटा दो, कितना बचेगा? 3 0 0 3 0 0 3 2 6 24,600 रुपए का ये डिडक्शन इनको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। मकान को बनवाने के लिए या मरम्मत के लिए ऋण लिया नहीं गया था तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब इसको हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 से 6 गया 4, यहां पर बचा आपका 11, 11 से 4 गया तो 7, और यहां पर बचा 7, 7 से 2 गया तो 5। 57,400 रुपया आपका होगा टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आ गया आपका आंसर, 57,400 रुपए टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। अगर ये क्वेश्चन लेट आउट बना दिया जाता तो और भी अच्छा हो जाता, लेकिन लेट आउट देखो कुछ कंफ्यूजन बहुत है। लेट आउट जैसी सारी इंफॉर्मेशन दी है और नीचे एक लाइन में कह दिया है 2 महीने वैकेंट रहा, बच्चा कंफ्यूज होता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो वहां कंफ्यूजन बहुत होती है, क्योंकि एग्जाम्स का प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में बच्चा ये वैकेंट वाली लाइन अगर भूल गया तो फिर इसको लेट आउट मान के सॉल्व कर देगा, और लेट आउट मान के सॉल्व करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि वैकेंट हाउस है, वैकेंट हाउस की कंडीशन अलग होती है। तो मैंने अगर ये लेट आउट बना देता तो कैसे सॉल्व किया जाता वो भी आपको बता दिया, और वैकेंट था तो उसका तो कैलकुलेशन प्रॉपर मैंने आप करा ही दिया है कि इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है आप इसको बहुत ही आसानी के साथ भली भांति समझ गए होंगे, अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा और सुना होगा। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले और नए क्वेश्चन के साथ।